की बड़ी खबर से, जहां मुरैना में बोर्ड परीक्षा में खुलेआम नकल का मामला सामने आया है। आठवीं स्कूल की बोर्ड परीक्षा में नकल कराई गई। आपको बता दें, स्कूल की आठवीं कक्षा की बोर्ड एग्जाम थे, परीक्षा में नकल करवाई जा रही थी। छात्रों के परिजन दरअसल यहां पर नकल करवाते नजर आए हैं, वीडियो भी सामने आया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के निर्देश दे दिए। आठवीं कक्षा की ये परीक्षा यहाँ पर आयोजित की गई। देखिए, आठवीं कक्षा एट्थ क्लास के छात्र हैं जो कि खुलेआम नकल कर रहे हैं, और नकल करवाने वाले कौन है ये भी हैरानी भरा। बच्चों के परिजनों को दरअसल एग्जाम हॉल में इस कक्षा में आने की परमिशन दी गई। देखिए किस तरह से गाइड के मदद से, किताबों की मदद से खुलेआम ये परिजन ही अपने बच्चों को नकल करवाते नजर आ रहे हैं। उमेश पाराशर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। उमेश, ये तो वाकई में हैरानी भरा है कि अब शिक्षक नहीं बल्कि बच्चों के परिजन ही, पेरेंट्स ही यहाँ पर नकल करवा रहे। देखिए जया, ये पूरा जो मामला है वो सत्यनी माध्यमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है, जहाँ जो बोर्ड परीक्षा कक्षा 8 की आयोजित की जा रही थी, और उसी समय ये कुल मिलाकर बात ये है कि जो सत्यनी विद्यालय है वो चंबल के बिल्कुल लास्ट इलाके में है, और यही वजह है कि वहाँ पर जो जिला शिक्षा अधिकारी या अन्य जो शिक्षा विभाग की टीम है वो नहीं पहुंच पाती है, और ऐसे का इस पूरी जो मामला है उसका फायदा उठाते हुए जो परिजन है वो सेंटर के अंदर गए, और उन्होंने जो उनके बच्चे बैठे थे उनको सरेआम नकल करा रहे थे, गाइडों की मदद से, पर्चियों की मदद से नकल कराते हुए, बल्कि कॉपी लिखते हुए वहाँ पर जो परिजन है वो नजर आए। जब इसका एक वीडियो भी है वो जमकर वायरल हो रहा है। अब जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने जांच के आदेश दिए। अब देखना यह होगा कि आगे इसी तरह से चंबल में नकल देखी जाएगी या इन पर जो कार्रवाई होगी। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इस क्लासरूम में शिक्षक भी मौजूद है। शिक्षकों ने कैसे अलाउ कर दिया कि बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पर आए, उन्हें खुलेआम नकल करवा रहे हैं? देखिए, पूरा जो साठगांठ होती है वो शिक्षकों और पालकों के बीच में, और जो स्कूल से जो अन्य जो बच्चे होते हैं वो आते हैं सेंटर पर, उनकी सब ये साठगांठ होती है, और यही वजह है कि नकल जो आसानी से अंदर पहुंचती है वहाँ पेरेंट्स भी इंटर हो जाते हैं, और वो बाहर से सेंटर में ताला भी डाल देते हैं, और अंदर कमरे में जमकर नकल कराई जा रही है। इसमें डीओ का कहना है कि जो इसमें जो शिक्षक हैं जिन्होंने पालकों को इंटर किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं बता दूं कि चंबल अंचल में इस समय जो कक्षा 5वीं और 8वीं की जो बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जा रही है, साफ तौर पर निर्देश है कि सख्त से सख्त जो परीक्षा है वो की जाए, नकल बिल्कुल इस परीक्षा में नहीं हो। निर्देशों का किस तरह से अवहेलना हो रही है ये तो हम इस वक्त बंसल न्यूज की स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं उमेश, जो कि वाकई में शर्मिंदा करने वाला भी है, हैरानी भरा भी है। शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देखिए, यहाँ पर शिक्षकों के साथ साठगांठ करके ये पेरेंट्स अपने बच्चों को खुलेआम नकल करवा रहे, शर्मनाक ये तस्वीरें। हालांकि इस मामले में आप जरूर जो शिक्षा अधिकारी हैं तमाम वो ये कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, जांच के बाद एक्शन लेने की बात कही जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बंसल न्यूज पर आपके सामने, आठवीं कक्षा की बोर्ड एग्जाम ये देखिए, और इसमें खुलेआम नकल करवाई जा रही है। छात्रों के परिजन नकल करवा रहे हैं, नकल कराते वीडियो भी वायरल हुआ है, जो कि आपको सबसे पहले बंसल न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। देखिए, बता रहे हैं पेरेंट्स, गाइड भी प्रोवाइड करवाई, किताबों के जरिए यहाँ पर नकल करवाई जा रही है। हालांकि इस मामले में अब दोषी शिक्षकों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी।